सारे पिलर्स जो आप देख रहे हो वो 1444 हैं काउंटिंग में, एंड दे आर वेरी मैसिव, वेरी नाइसली डन यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राजस्थान रोड ट्रिप, दिस इज ईशान एंड यू आर वॉचिंग ग्रेगेरियस ईशान। फाइनली कुछ अच्छी रोड्स आ गई हैं, टर्मैक रोड मिल गई अपने को, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, मगर रोड्स अच्छी आ जाने की बात भी सिंगल ही है, तो बहुत ज़्यादा घुमावदार रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा आप स्पीड में नहीं जा सकते। अभी देखो ये टर्न ऐसा आया है, उसके बाद फिर राइट हो के फिर लेफ्ट हो गया है, सो शुड बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस फुल हो जाते हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने कुंभलगढ़ फोर्ट को कवर किया था। नाउ हियर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रनकपुर जैन टेम्पल, जो कि कुंभलगढ़ फोर्ट से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। और ये खत्म रोड्स, और फिर से वो टूटी हुई रोड शुरू। ट्रेलर दिखाया था क्या भाई, थोड़ा सा तो दिखा देते रोड। स्टिल 11 किलोमीटर्स एंड 19 मिनट्स टू गो, और रोड कंडीशंस तो भाई साहब आपके सामने ही हैं। मतलब इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग टू कम टू रनकपुर स्पेशली फ्रॉम दिस प्लेस कुंभलगढ़, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि रोड कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बीच में थोड़ी देर के लिए रोड अच्छी आती है, मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-10 किलोमीटर, उसके बाद सारी रोड्स तो थ्रू आउट द जर्नी सिंगल ही है, पर रोड टूटी हुई बहुत है। कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं यार, देखो पूरा परिवार लगा हुआ है, सो रिस्पेक्ट फॉर ऑल दिस पीपल, फॉर वाटर आल्सो सच में, मतलब पानी पीने की कितनी जद्दोजहद है। व्हाइल ड्राइविंग टुवर्ड्स रनकपुर फ्रॉम कुंभलगढ़ फोर्ट, यू मे फाइंड मेनी होटल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, पिकनिक स्पॉट्स एंड पेट्रोल पंप्स एंड वेरियस अदर रिलीजियस प्लेसेस। Also the onward journey distance may vary from downward distance due to one way traffic. हम ये तो नहीं सोच रहे कि हम उत्तराखंड जा रहे हैं या पहाड़ों पे जा रहे हैं, ना तो हम हिमाचल जा रहे हैं और ना तो हम जम्मू जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रनकपुर, और ऐसा ही पहाड़ों वाला घुमावदार रास्ता आता है, और याद तो ये बिल्कुल उत्तराखंड की ही दिखा रहा है। देखो कितने सारे होकूप बैठे हुए हैं सामने, और धीरे धीरे ही गाड़ी चला रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटे मोटे पत्थर भी गिरे हैं, वैसे तो लैंडस्लाइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी पार्क कर रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी हंग्री, और यहाँ पे गुस्ते साथ ही कोई भोजनशाला है, कैंटीन है, सो वी जस्ट वांटेड टू फिगर आउट कि यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या। दिस इज द पार्किंग, मंदिर में घुसते साथ ही सबसे पहले भोजनशाला और धर्मशाला आती है, और उसके बाद लेफ्ट साइड में पार्किंग है, क्या मिलता है खाने के लिए, क्यों कुछ खाने के लिए। सो जी वी आर आउट and this is the place, रनकपुर तीर्थ। वो सामने वाली पार्किंग जो है वो कैंटीन है, और यहाँ से मेन एंट्रेंस है जहाँ पे आप नो एंट्री देख रहे हो। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप धर्मशाला में भी बुक कर सकते हैं अपना रूम, उसकी डिटेल्स मुझे पता नहीं है, यहाँ से कहीं से मिल जाएगी ऑफिस से। तो पहले जाता हूँ मैं कैंटीन और कुछ खा के आता हूँ। सो दिस इज बेसिकली अल्पाहार ग्रह, एंड यू कैन कम हियर हैव सम रिफ्रेशमेंट। पार्किंग और चलते हैं कुछ खाते हैं, बहुत अच्छा से पता लगे। क्या मिल सकता है नाश्ते में, बस कुछ खाने को और नहीं मिले भाई, खत्म हो गया या मिलता ही नहीं है। तो अल्पाहार में तो अपने को कुछ मिला नहीं,
अपन ने कुछ सॉल्टेड कैशू नट, चना और रोस्टेड आलमंड ले लिया। एंड दिस इज द प्लेस ना, यहाँ पे आप लोग खा सकते हो, लंगर लगने वाला है अभी। पूछते हैं कशिश से, कंफर्टेबल है तो लंगर खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे जोधपुर के लिए। जोधपुर इज समथिंग लाइक 180 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और आगे सादड़ी 9 किलोमीटर से आगे हमको जाना है, और वहाँ से लेफ्ट लेके फिर राइट अपने को 4 लेन मिल जाएगा। चलो ठीक है जी, खड़ी अपनी कार, फटाफट चलते हैं। They don't have anything to eat. राजस्थान में स्थित रणकपुर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम रणकपुर पड़ा। थैंक यू, वेलकम। सो टेकन दिस 100 रुपीज का टिकट और कैमरा, तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है। तो अगर आपको ऊपर जाके ना फोटोग्राफी करनी है तो यू कैन डू, और ये आपको लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपके कैमरा भी अंदर नहीं ले जा सकते। सो पर कैमरा 100 रुपीज, और उन्होंने बोला है कि आप भगवानों की फोटोग्राफी मत करना। चलो 5 मिनट इसका भी कर ही लेना। थैंक यू, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिलर्स, मेरे ख्याल से मार्बल वर्क किया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। केवल रणकपुर में ही नहीं बल्कि उसके आसपास की जगहों में भी अनेक प्राचीन मंदिर हैं। मुख्य मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित चौमुखी मंदिर है। यह मंदिर चारों दिशाओं से खुलता है। संगमरमर से बने इस खूबसूरत मंदिर में 29 विशाल कमरे हैं, जहां 1444 खंबे हैं। इनकी खासियत यह है कि ये सभी खंबे एक दूसरे से भिन्न हैं। तो वो एंट्रेंस एरिया एक्चुअली, और आदिनाथ जी की प्रतिमा है अंदर। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही कर रहे हैं। और चौमुखी आदिनाथ जी हैं, यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मेड, बहुत ही सुंदर है। मतलब अगर आप लोग आ रहे हो तो रणकपुर देखना बिल्कुल ना भूलें, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये 1444 पिलर्स हैं, 1444 राइट, हाँ सॉरी, ये सारे पिलर्स जो आप देख रहे हो 1444 हैं काउंटिंग में, एंड दे आर वेरी मैसिव, वेरी नाइसली डन यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम बट स्टिल वी मैनेज टू सी दिस ब्यूटीफुल टेम्पल। नाउ इट वॉज टाइम टू गो टू जोधपुर। तो भैया के पास खड़े और सादड़ी से लेफ्ट ले लिया है, जोधपुर की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी में 3 पॉइंट डीजल बाकी था, तो अभी करा लेते हैं कम से कम 5,000 रुपये का डीजल। और यहाँ पे 91.61 करीब 1 रुपया महंगा है भोपाल से। कितनी देर पड़ेगा अपने को जोधपुर पहुँचने को? 3 घंटे मेरे ख्याल से ना, 3 घंटे ना। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 6, तो 9 बजे तक पहुँचेंगे। तो नियरली 54.58 लीटर्स डीजल आया 5,000 रुपये में। तो चलो भैया को पे करते हैं और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। लुक एट द कलर ऑफ द स्काई, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, पिंक कलर है और शाम ढल रही है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सादड़ी butterfly, baby, you give me fear.
जोधपुर इन पोलो हेरिटेज, गुड प्रॉपर्टी। डिटेल में सुबह अपन देखते हैं होटल कैसा दिखता है, क्या है। तो अभी ईशिका कौर सोली सो रही है बहुत ही प्यार से। तो आज स्पॉट्स कवर कर लिए कुंभलगढ़ और रणकपुर, और हम लोग पहुंच गए हैं जोधपुर। टाइम हो रहा है 10:45 और फटाफट यार बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सब खाना खाएंगे, बिस्तर में घुसेंगे और सुबह निकलना है अपने को साइट सीइंग के लिए। आई होप यू विल एंजॉय द व्लॉग। और जाने से पहले गुड नाइट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी मन करे, और प्लीज़ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर।